वेलकम बैक। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टाउनशिप लाहौर मॉडल बाजार की अपग्रेडेशन, फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट, फ्री होम डिलीवरी ऐप और सोलराइजेशन की तकरीब से खिताब करते कहा कि अगर किसी ने तरक्की में रखना डालने और अदम इस्तेहकाम की कोशिश की, उसके साथ आइनी हाथों से निपटा जाएगा। कुछ भी नहीं कहूँगा। देखो, कोई भी आदमी जब इतने काम छेड़ लेता है ना, समझो वो कर कुछ नहीं रहा। ये होता नहीं। मेरे बेशुमार क्लास फेलो स्टेनोटी शेख थे, ये वो पहली जनरेशन में डाइवर्सिफिकेशन की इजाजत ही नहीं देते। वी काम तो गिनवाते हैं बीबी, आपने जिन्हें पाकिस्तान दे इन्ने कमां च हत्थ पैना, इहदा मतलब उन्हें करना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं। नीयत ठीक भी होगी तो होना नहीं, अचीवेबल ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा हुआ मुल्क है जहां बड़ी विजडम की ज़रूरत है। अच्छा, बाकी ये जो आपने कहा ना, उसमें ये जो आपने मरियम का कहा है कि आहनी हाथों से, इन आहनी हाथों का जवाब नहीं है। वैसे वो अपने चचा से इंस्पायर्ड हैं और मेरी गुजारिश होगी कि बीबी ये इस तरह के मत बोलो जुमले, आहनी हाथों केड़े आहनी हाथ हैं, इंज हाल आपके जाती ना सही, पूरी कौम के, पूरे इस्लामी जमहूरिये के, पाक सरजमीन शादबाद के, ये हाथ आनी कितों हो गए। पहली बात। दूसरी बात, ये पढ़े लिखे लोगों का डिक्शन नहीं है। जो चाहे कॉलम निगार हो कोई या कोई मुकर्रर हो, पूरी दुनिया में खूबसूरत तहरीर के लिए तीन चीज़ें दरकार हैं। मरियम, ये जो लिखते हैं ना कि बड़ी पुरचको जबान है, भी बाजारी सी, मतलब वो क्या है ये जवानेरा ना, वो केड़ा जवानेरा ना है, क्या खूबसूरत नौजवान, रुबा सदी वो मारे सिद्धा क्या है 25 साल। ये डिक्शन पढ़े लिखे लोगों का नहीं है, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड। वो क्या है खूबसूरत तहरीर में, क्या होता है तीन चीजें तहरीर में भी तकरीर में भी, सादगी, बर्जिस्तगी यानी स्पॉन्टेनिटी, सिंप्लिसिटी और ओरिजिनलिटी। बात ओरिजिनल हो, सादा हो, सादगी ओरिजिनलिटी उसमें कोई मतलब नयापन हो, ठीक, और स्पॉन्टेनिटी बेसाख्ता। इंजन लगे के अलफ अनाम बे बकरी तो पता, अलफ पता नहीं अनार बे बकरी करके आया, तो ये नहीं। मरियम को नहीं जेब देता। चाचा जी पुरानी वजह थे मेरी तरह बंदे ने, वो आनी आनी आंख तो फलाना, आनी हाथ तो पता नहीं टेढ़ी आंख तो, सीधी उंगलियों से घी तो दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध भी पानी ही होता है और की होता है। चलो ठीक है, प्रोजेक्ट सही। हजरत साहब, एक बड़ी अफसोसनाक तो खबर शामिल करेंगे। क्या कहते हैं, एबटाबाद के थाना नवा शहर में मां ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया। एक बच्चा मौके पर हलाक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। मुलजमा के बारे में बताया गया कि शदीद डिप्रेशन का शिकार थी और उसने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने की कोशिश की। वैसे इतने डिप्रेशन की क्या वजह होगी? मुलजमा, ये मुलजमा है, ये मासूमा है, ये मासूमा है, ये तो बेसरर बकरी। अच्छा, कत्ल हो गए हैं बाय द वे 2 या 3, किस पे? बकरी पे जी। ये हसन साहब के अच्छा, नारोवाल में बकरी चोरी का इल्जाम अच्छा, लगाया, फायरिंग की और 3 अफराद। हाँ, हाँ तो बेटा ये दोनों खबरें आप क्लब करो, ये दोनों खबरें सगी बहने हैं। ओए माँ 3 बच्चे, पंजाबी का मुहावरा है सदियों पुराना, प्यो लखी करोड़ी को जना, मां पटियारन भी चंगी, मां पटियारन भी हो ना, वो नहीं दगा देती। ममता पैरों के नीचे जन्नती, एवं कड़े ने असी एवं सुनी जाने। जब मां यहां पहुंच गई होगी, अभी तो मैंने बताया घरों में आग लगी हुई है, टेंशन जरूर पे हैं, आम आदमी की आमदनी और घर के अखराजात में लाखों मील का फासला है और उसके पास कोई सवारी नहीं है, सवारी है तो उसमें पेट्रोल नहीं है, ये खलीज है। नतीजा क्या होता है,
बस किस पे चलता है, जिस तरह इनकी अपनी याचियां वैसी की वैसी हैं, बस चलता है आवाम पे। शौहर बेचारा जो है वो घर के अखराजात नहीं पूरे कर सकता, माँ बच्चों को बिलकता देखती है, वो फलाना टमकाना, वो नींद पागल हो जाते हैं। अफलास से मैंने कहा था कल भी या शायद पहले कभी, हुजूर ने अफलास से पनाह मांगी है, ये शिर्क तक ले जाती है। मैं सोचता हूँ हमारे मुल्क हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर इतनी उल्टी क्यों निकली। मेरा एक शेर सुन लो यार, याद आ गया जी। शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, यहाँ सब कुछ उल्टा है। और ये शेर बेनजीर भुट्टो का बड़ा फेवरेट शेर, बहुत खूब, उनकी किताब में भी है जी। आगे चलते हैं हंसा साहब, एक टीवी टॉक शो में बात करते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के गलत सियासी फैसलों ने मुझे हैरान कर दिया। वो गलत सियासी फैसले केड़े, सियासत रह नहीं गई मियां साहब दी, केड़ी सियासत, वो देखो ना कि आपने ये गाड़ी मार दी, वो गाड़ी कहाँ है भाई, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। उस बेचारे ने केड़े सियासी फैसले हम करने, एक डेस्परेशन का आलम है। देखो एज ग्रुप हम लोगों का मिलता जुलता है, मेरी अब मेरा मेमोरी लॉस, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो तवानाई नहीं है, मैं थक जाता हूँ। सुबह उर्दू अंग्रेजी सारी अखबारें पढ़ते पढ़ते मैं दो ढाई घंटे के बाद, मैं पहले थकता ही नहीं था, अब मैं दरमियान में तीन बार कॉफ़ी पीता हूँ। एनर्जी लेवल वो नहीं रहता, आपका अटेंशन स्पैन वो नहीं रहता, आपकी मेमोरी वो नहीं रहती, लेकिन दिल जो है ये बड़ा खबीस है, ये बुढ़ा नहीं होता। और एक उसूल कुदरत का है, कहते हैं हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हाँ आपने भी सुना होगा कि अल्लाह थले आके किसी दी किसी नु डांग नहीं मारदा, उत्ते बैठे बैठे मत मार दिंदा। बेशक वो कौमां दी भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है, वो मेरी मत भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो मियां साहब दी ना एज ना सेहत, मतलब जना वेट है माशाल्लाह चश्मे बदूर, मैं तो चाहना चार गुना और बधे, बट दैट्स नॉट द वे। उतों फ्रस्ट्रेशन, लेट डाउन, ख्वाब दिखाए हुए थे उन्होंने, पता नहीं 2/3 ते फलाना, उतों अंदर पता नहीं और के मामलात होंगे। चलो ये फवाद ने बात ठीक की है, लेकिन सियासत होएगी तो गलत फैसले करेगा ना बंदा, सियासत ही मुक गई है, हुण केड़ा सही तो केड़ा गलत। ए मैं सुनया कोई तंजीमी टोर वगैरह करके देख लें, कुछ भी नहीं, सहरा में हल चला लो, ट्रैक्टर चलाओ सहरा में,